बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, आप लोगों का शौक अच्छे से चल रहा होगा। अच्छा, आज का टॉपिक है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, देखिए गर्मियों में अंडे लेना या फिर मुर्गी को पे बैठाना, इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं। डॉग्स का डाइट प्लान ले रहा है, मुर्गी अंडे नहीं ले रही, वो एक टॉपिक ही ले रहा है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है कि गर्मी आ गई, आपका मुर्गा या मुर्गी जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से छत पे कई मेरे दोस्त ऐसे हैं, जैसे कि मेरा अभी ये जो सेटअप है, मैंने ये छत पे बनाया हुआ है तीसरी मंजिल पे, यहाँ पे जब बारिश आती है वो भी बहुत तेज़ आती है, गर्मी है वो भी बहुत तेज़ है, सर्दी है वो भी बहुत तेज़ है, तो फिर शौकीन काम जो है शौकीन बंदों के लिए ये चीज़ तो बड़ी बात नहीं है कि हर मौसम में भाग भाग के ऊपर आके देखना और जानवरों की केयर करना। मैं तो इसी को कहूँगा, इसी का नाम जो है वो शौक है। देखिए अब हम बात करते हैं इस बारे में कि गर्मी की वजह से आपका मुर्गा या मुर्गी जो है उसने दाना पानी जो है कम कर दिया, और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप परेशान हैं कि अब ये मज़ीद इसका वज़न भी कम होना शुरू हो गया, तो ऐसी क्या चीज़ कीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। आपको एक देसी नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है, मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपए का होगा, अगर तो अनारदाना आपके पास पड़ा, वरना 50 रुपए लगा लें आप। अब ये कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं, यानी 1.5-2 हफ्ते या 3 हफ्ते का नुस्खा नहीं, ये एक दिन आपने पिलाया, अगले दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाना है। सेकेंड डे सिर्फ आपने अपनी एहतियाती तदाबीर और दिल को इत्मीनान, दिल के इत्मीनान के लिए आपने जो है वो दोबारा पिलाना है। अब आपने करना क्या है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए उसके लिए। एक आपको चाहिए पुदीना, दूसरा आपको चाहिए धनिया, तीसरा आपको चाहिए अनारदाना। अब देखें, अगर कोई कुछ लोग ऐसे जो इस टॉपिक के बारे में कि धनिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मुर्गा शायद क्रॉस ना करे, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली देखें, जब एक जानवर जिसने दाना पीना कम कर दिया है वो दिन ब दिन मज़ीद कमज़ोर होगा, तो वो ऑलरेडी जो है क्रॉस नहीं कर रहा होगा, अगर करेगा भी तो मेरा नहीं ख्याल कि मुर्गी अंडे देगी, अगर देगी तो हीट पर आके दे देगी गर्मी की वजह से, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होंगे। अब बेहतर जो इसका जो हल है कि पहले बहाल किया जाए मुर्गे के अंदर की गर्मी को, उसके बाद जो है आप जो जो सेहत पकड़ने की चीज़ है या दाना जो छोड़ चुका है, आप खुद देखेंगे कि दाना भी शुरू कर देगा। देखिए हाजमे का काम भी इसमें है कि अनारदाना जो पुदीना है हाजमा बेहतर करेगा, उसके बाद जो है आपका मज़ीद जो दूसरा दाना पीना जो है वो शुरू करेगा। अब आपने क्या करना है, अनारदाना पुदीना और धनिया ये तीनों चीज़ें लेके इसको अच्छे तरीके से आप इसे पीस लें। पीसने के बाद आपने क्या करना है, एक इसकी गोली बना लेनी है, मसलन हसब तौफीक जितनी आप बनाना चाहें आपने वो अपने जानवरों को खिला देनी है। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के सिरिंज के साथ आपने पानी जो है वो भी इंजेक्ट करना है अपने मुर्गे के अंदर, यानी ये वो भी पिलाना है ताकि आपको पता हो कि अगर पानी गिर तो नहीं गया, या शक व शुबहात में बंदा रहता है कि पता नहीं पिया या नहीं पिया, इस वजह से आपको ये चीज़ मैंने कही है कि आपने उसको सिंक से भी पिलाना है। इसको पिलाने के बाद आपने क्या करना है, उसी बर्तन में जिसमें पानी बना है आपने अपने जानवरों के आगे एक दिन के लिए छोड़ देना है, लिहाजा वो सारा दिन वो पीते रहें। अब देखें गर्मी मज़ीद, ये जून जुलाई का जो महीना होता है इसमें जो परिंदा वैसे होता है मोल्टिंग में होता है, यानी अपने पर नहीं निकाल रहा होता है, इस मौसम में जो है अंडे बच्चे ना लिए जाएँ बेहतर है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो एक मेयार उसका बरकरार रखना पड़ता है। लेकिन अगर एक जानवर आपका खाना पीना ही छोड़ गया तो मज़ीद अगले दिनों में कमज़ोर होने के बाद उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने जो है ज़्यादा तदाबीरें जो हैं अपनी स्टार्टिंग में ही इंसान को करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है कि दाना पीना अगर छोड़ भी गया तो आपकी आँखों के सामने 2 या मज़ीद 3 दिन में आपका जानवर जो है बहाल हो जाएगा। तो मेरा ये आजमता नुस्खा है जो मैं करता हूँ अपने जानवरों को, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी जो खेल पानी है या जो शौकीन हैं, जो शौकीन नजरात हैं, उनका जो है शौक अच्छा रहेगा, और अच्छे तरीके से कारोबार अगर आप कर रहे हैं छोटे लेवल पर तो वो भी अच्छा चलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।